हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जी फाइव पर रिलीज हुई एक नई मूवी जिसका नाम है अतीत। इस मूवी में हमें नजर आते हैं संजय सूरी, प्रिया मणि और राजीव खंडेलवाल। मूवी की ओवरऑल लेंथ है 2 घंटा। ये मूवी एक सस्पेंस ड्रामा हॉरर फिल्म है। मूवी की कहानी की बात हो तो कहानी शुरू होती है कर्नल विश्वा जो कि अपनी वाइफ जानवी और अपनी बेटी सना के साथ एक हैप्पी लाइफ जी रहे होते हैं, लेकिन तभी कहानी में आता ट्विस्ट। उनकी बेटी सना के हाथ में आता है पास्ट यानी कि उनके अतीत से जुड़ा एक फोटो जो कि कर्नल विश्वा को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। उसके बाद मूवी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी जिसका नाम है अतीत। अब मैं आपको बताता हूं ये मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं चाहिए। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इस मूवी के कॉन्सेप्ट को। तो मूवी का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट हमने इस तरीके की पहले भी बॉलीवुड की फिल्मों में देख चुके, लेकिन यहां पर चीजें थोड़ी सी बदल गई है। यहां पर आपको आर्मी ऑफिसर्स देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर हॉरर एलिमेंट्स की बात करूं तो हाँ, मूवी में कुछ ऐसे सीन्स है जहां पर आपको डर लगते हैं और कुछ सीन्स आपको ओके लगते हैं। ऐसा कुछ खास डर आपको महसूस होता नहीं है। और क्लाइमैक्स की बात करूं तो क्लाइमैक्स से कुछ देर पहले ये मूवी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मेकर्स ने इस मूवी को क्लाइमैक्स तक खींचा। वो क्यों खींचा वो तो उसकी मर्जी थी। उसके अलावा अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो परफॉर्मेंस में मुझे संजय सूरी, प्रिया मणि और राजीव खंडेलवाल तीनों का काम मुझे अच्छा लगा। नहीं, तीनों के हिस्से में जितना भी काम था उन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन इस मूवी की कहानी में काफी फ्लॉस लग रहे थे। यानी कि कहानी में लॉजिक तो कहीं से भी नहीं लग रहा था। बहुत सारी चीजें आपको इलॉजिकल डाली गई थी। और एक सवाल जो पूरी फिल्म के दौरान मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा घूम रहा था वो मैं यहां पर रिवील नहीं करूंगा, वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बताऊंगा अगर आप लोग मुझसे पूछोगे तो। और अगर आपको उसका जवाब पता होगा तो आप मुझे कमेंट में वहां पर बता देना। सबसे सीधी बात बताऊं, अगर आपको बॉलीवुड की हॉरर मूवीज देखना पसंद है और वो कॉन्सेप्ट जो ऑलरेडी देख चुके उस पर दोबारा से आपको फिल्म देखना कुछ नया तड़का डाल के, तो आप लोग ये मूवी को जरूर देखना। अदरवाइज आप लोग इजीली इस मूवी को स्किप कर सकते हो। ऐसी कुछ पर्सनली खास बात मुझे महसूस नहीं हो रही थी। मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा 2.5 out of 5। 1 स्टार दूंगा मैं बढ़िया परफॉर्मेंस के लिए, 1 स्टार दूंगा जबरदस्त लोकेशन के लिए और 1/2 स्टार दूंगा मैं हॉरर एलिमेंट्स के लिए। तो यार बस इस वीडियो में इतना। अगर आपको ये मूवी देखनी तो आप लोग जरूर देखना, और आपने ऑलरेडी ये मूवी देख चुके हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको ये मूवी कैसी लगी। ये सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से तो ये मुझे एवरेज मूवी लगी। मैंने इस तरह की ऑलरेडी देख चुका हूं। अब आप लोग की बारी, आप लोग इस मूवी को देख के मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बस मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। टिल देन दुआ में याद रखना। मैं हूं राशि चेक और आप सब अरहान एंटरटेनमेंट में। तो टिल देन।